आप ये कह रहा है सर क्यों इतनी गलती करते हो, भाई कई बार लिखते टाइम हम भी इंसान है ना, लिखते टाइम कई बार गलती हो जाती है, तो माफ कर दो भाई, माफी चाहते हैं आपसे, है ना, कई बार लिखते टाइम गलती हो जाती है, क्या करें, इंसान ही है ना, मशीन तो है नहीं, है ना। अब आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो, वरना आप जा सकते हो। ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और क्या है डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तुम्हें मशीन से पढ़ना है तो तुम मशीन से पढ़ सकते हो, मिल जाए कहीं मशीन तो बता देना, है ना, ठीक है। एक तो तुम्हें करेक्शन करा रहे हैं, हम नहीं कराते, हम निकल जाते, फिर बाद में बोलते कि सर आपने वहां पर गलती से लिख दिया है, खुद ही बोलते, क्या करें, माफी चाहते हैं आप लोगों से भाई, हाथ जोड़ के माफी चाहते हैं भाई, हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी चाहते हैं कि हमसे गलती से लिख गया, मेरा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं रहता है कि आपको मैं गलत लिखाऊं या गलत पढ़ाऊं, ठीक है, मैं टीचर हूं, मुझे पता है कि मेरा फीडबैक इससे खराब हो सकता है, मैं करेक्शन इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि सही चीज क्या है, ताकि आप एग्जाम में सही चीज कराएं, ये जो हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारी चीजें सही रहें और एकदम स्मूथ चले, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, आपको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, क्लियर है एकदम, चलो भाई। लोगों के लिए कितना भी करो कभी कुछ सोचेंगे नहीं लोग, है ना, ये एकदम सही बात है, आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग भी जो बोल रहे हो ना, आप लोग भी ध्यान रखना, कभी भी तुम किसी के लिए कितना भी कुछ भी कर दो, ठीक है, अगर तुम 10 अच्छी चीजें कर दोगे ना और गलती से एक गलती हो जाएगी, यही तो लाइफ है भाई, यही लाइफ है, ठीक है, 10 अच्छी चीजें किसी के लिए करोगे, एक अगर गलती करोगे तो इंसान कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना, जो मेरे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी होगा, ये अलग ही नहीं मान रहा भाई, शाश्वत, क्या करूं, तुम्हारे घर आके तुम्हारे पैर पड़ के माफी मांग लूं क्या, हैं, क्यों शाश्वत, क्या करूं क्या मैं बताओ भाई, यार क्या करूं मैं बताओ, छोड़ दूं पढ़ाना, छोड़ दूं खुश हो जाओगे, क्या करूं भाई, ऐसा नहीं है कि मैं हर साल ये गलती कर रहा हूं, ये लिखने वाली गलती है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है ये, है ना, तुम्हें पहले ये समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट का मिस्टेक क्या होता है और लिखने वाली गलती क्या होती है, तब तुम्हें समझ में आएगा, और जिंदगी में तुम्हें कुछ करना है ना तो सबसे पहले ये छोड़ दो, ठीक है, ये छोड़ दोगे ना तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, समझ गए आप लोगों का सारा गेम, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद, अपन को जानबूझ के थोड़ी गलती करते हैं यार, और ऐसा थोड़ी मैं सारा लिख के ले आता हूँ, आपने भी देखा होगा फ्री स्टाइल ही पढ़ाने का स्टाइल है मेरा, है ना, और लोग इसी वजह से जानते भी है मुझे, ऐसा नहीं कि सारा लिख के ले आए और बस ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर करके समझा, जहां जरूरत होती वहां लिख के लाता हूँ, है ना, जहां जरूरत नहीं होती वहां तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा ना, याद है सारी चीजें, अब लिखने में थोड़ा बहुत हो जाता है, ठीक है, जितनी भी मिस्टेक हुई है अगर उसको वो अवॉइड भी हो सकती थी, क्यों, मैं लिख के ले आता सारा, सारा लिख के ले आऊंगा, बस बोल दूंगा मुंह से, आपको लगा वाह मजा आ गया आप ये समझो ना कि जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो एक अच्छा तरीका है, कि भैया ज्यादा चीजें बोर्ड पर ना लिखी हो, कम से कम चीजें लिखी हो, तभी आप अच्छे से समझ सकते हो, पूरा बोर्ड भर के ले आऊंगा, पूरी पीपीटी भर के ले आऊंगा और अंडरलाइन कर करके समझाऊंगा तो गलती की गुंजाइश तो जीरो होगी ना, क्योंकि मैं सारा तो कॉपी करके ले आऊंगा, है ना, तो उस केस में तो कोई गलती नहीं होगी लेकिन वो अच्छा तरीका थोड़ी है पढ़ने का कि आप अंडरलाइन कर करके समझा रहे हो, मुझे भी पसंद नहीं है कि अंडरलाइन कर करके ही समझाएं, लिखने में मजा आता है ना, जब तक अपन लिखेंगे नहीं तब तक समझ में कैसे आएगा, जब तक मैं स्टेप नहीं बताऊंगा, हाइड राइट शिफ्ट करके नहीं दिखाऊंगा तो कैसे लगेगा, छापने को तो मैं भी पीपीटी वाले को बोल दूंगा सारा छाप दो, पूरी पीपीटी भर देना, अंडरलाइन कर करके समझा दूंगा, मेरी भी एनर्जी कम लगेगी, है ना, ऐसा थोड़ी होता है, तो छोटी मोटी गलती हो जाती है कभी लिखने में, है ना, पर ऐसा कोई हर साल गलती नहीं करते, अभी एक बोल रहा था ना 10 साल का एक्सपीरियंस है इतनी गलती कर रहा हूं, ऐसा मैं हर साल थोड़ी गलती करता हूँ भाई, है या हर साल मैं मतलब अभी ऑनलाइन में तो इसी साल ही आया हूँ ना मैं, बाकी तो मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, और मुझे अपने ऊपर गर्व है भाई कि मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, मानता हूँ मैं कि मुझसे कहीं गलती हुई है, हजारों लाखों टीचर ऐसे पढ़े हुए हैं जो नहीं मानते, लिखवा देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, चुपके से निकल जाएंगे, समझ में भी नहीं आएगा तुम्हें, बाद में तुम फिर बोलोगे अरे सर वहां पे गलती हो गई थी, गलती को सही समय पे पता करना और सही समय पे करेक्शन कराना बहुत जरूरी है, एक टीचर के लिए भी बहुत जरूरी है, ये बात मैं मानता हूँ, है ना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गलत पढ़ा दिया, मतलब गलत पढ़ाना नहीं होता, गलती से गलत लिख जाए, कोई टीचर कोई भी टीचर हो, मैं थोड़ी कोई भी टीचर हो, कभी गलत लिख देते हैं तो गलती से लिखते हैं ना वो, तो ऐसा थोड़ी किसी को नहीं आता, सबको ही आता है भाई, कॉन्टेंट तो सबको ही आता है ना,
ऐसा नहीं कि यहाँ के टीचर, कहीं भी आप जहां भी पढ़ रहे हो कभी ना कभी लिखने में किसी ना किसी से गलती जरूर हुई होगी, है ना। ऐसा नहीं है कि किसी से कभी गलती नहीं हुआ, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ भाई, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो कभी गलती ना करे। तुम भी जीवन में बहुत गलतियां करोगे, ध्यान रखना, है ना। और पीछे जन्म में, मतलब पीछे भी आपने बहुत कर रखी होंगी, 11वीं तक भी बहुत गलतियां करी हैं तुमने, लेकिन उनको सुधारो भाई, है ना। कुछ नहीं तो मुझसे कुछ सीख लो कि अगर कभी गलती हुई है तो उसको सुधारा जाता है, इतना तो सीख लो। भले मुझसे मत पढ़ो भाई, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा तुमसे, मत पढ़ो तुम, लेकिन एक चीज अच्छी सीख के जाओ मुझसे कि अगर कभी गलती हो तो उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, है ना, सही करो उसको, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, और क्या।